अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे पास मर्सिडीज E250 है, तो आज हम इसका रिव्यू करेंगे। बाकी चीज़ें हम कार बैंक का ओनर सैम खान से पूछेंगे। सर, आप हमें बताएं इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या स्पेक्स हैं और कौन सा मॉडल है? ये है मर्सिडीज E250, 2013 मॉडल है, 2015 की रिपोर्ट है और 2018 में रजिस्टर्ड की हम लोग ने इस्लामाबाद। इसके ऊपर आप देख सकते हैं AMG की किट लगी हुई है, साथ में अगर हम साइड प्रोफाइल पे हैं तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर AMG रिम लगे हुए हैं, साथ में AMG साइड मिरर्स लगे हुए हैं। इंटीरियर अगर आप इसका देखें तो बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। और ये हम लोग ने स्पेशल वो लगवाए, स्टेयरिंग व्हील लगाए, वरना ये इस पर नहीं आता था। साथ में अगर हम पीछे हैं तो ये आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। अगर ये आप इसकी बैक लाइट देखें तो ये मेरी फेवरेट बैक लाइट है किसी कार में। इसके अंदर जो नई वाली आती हैं वो भी पसंद है, पर वो इतनी पसंद नहीं है मुझे। ये आप देख सकते हैं ये AMG तबैल लगे पर AMG नहीं है, ये आप देख सकते हैं कि तो ये बेसिकली AMG किटेड है। इसके अंदर पूरे सारे रिम्स और सब कुछ लगे हैं विदाउट, सिर्फ इंजन की मॉडिफिकेशन नहीं हुई। जी, इंजन और सस्पेंशन की वजह से सब कुछ इसके अंदर। ये गाड़ी हम लोग ने AMG किटेड आई थी हमारे पास, वो वैसे ही आई थी AMG किटेड, बड़ी खूबसूरत गाड़ी। अगर हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ आए तो हम देख सकते हैं कि ड्राइवर सीट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्किंग ब्रेक का लेवर है, यहाँ से हम लोग गाड़ी की वो लाइट्स वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये गाड़ी को ऑन ऑफ करने का बटन, और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके वेंट्स हैं। ये फिर अगर हम इस गाड़ी की स्टीयरिंग की तरफ आए तो ये इसका बहुत ही खूबसूरत स्टीयरिंग व्हील है। ये आप देख सकते हैं AMG वाला स्टीयरिंग व्हील लगा हुआ है, और साथ में इसका ग्लेज जो है वो भी बहुत इंतहाई खूबसूरत है। आप इसका अगर इंटीरियर देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है। आप इसका अगर स्टीयरिंग व्हील देखें, स्टीयरिंग व्हील हम लोग ने AMG वाला लगाया और ये बड़ा खूबसूरत स्टीयरिंग व्हील है। ग्लेज कस्टर की बात करें तो ये इसका नॉर्मल ग्लेज कस्टर है, और बाकी अगर आप इसके एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो ये बहुत ही अच्छा वो एंटरटेनमेंट सिस्टम है। यहाँ पे इसकी स्क्रीन आती है, साथ में ये यहाँ से अगर आप ब्लूटूथ किसी से बात करना चाहें वो है। और ये आप देख सकते हैं एवनगार्ड का बैज लगा हुआ है, और ये इसके बाकी वो क्लाइमेट जोन्स के लिए वो है बटन्स वगैरह। ये आप देख सकते हैं यहाँ से हीटर वगैरह लग सकते हैं, लगा सकते हैं इको मोड, मैनुअल भी लगा सकते हैं। अगर गाड़ी की ऊपर वाली तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका है सनरूफ है और पीछे पैनोरामिक रूफ है। और इसकी अगर आप बात करें तो ये इसकी स्टोरेज स्पेस है, और यहाँ पर भी स्टोरेज स्पेस आती है, आप देख सकते हैं। अगर हम गाड़ी के ओवरऑल पीछे आए ना तो ये बड़ा मतलब कि अच्छा है इसका इंटीरियर, आप देख सकते हैं लेदर सीट्स हैं और बड़ा ये सेफ है इसके अंदर एनवायरनमेंट बंदे को फील होता है। ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर इसका पैनोरामिक रूफ आता है, यहाँ पे गाड़ी के दो एयर वेंट्स हैं जो पीछे ले वो सीट्स के लिए होते हैं, साथ में ये हम लोग पीछे जो लोग सिगरेट पीते हैं ये उनके लिए होते हैं, और साथ में ये हैंड रेस्ट आ गई। इसके अंदर आप 4 से 5 लोग फिट कर सकते हैं, और ये अगर हम इसको खोलें तो यहाँ से ये खुलता है, और ये फिर यहाँ पे आप अपनी ड्रिंक्स रख सकते हैं। अगर हम गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ आए तो अब आप देख सकते हैं इसका जो दरवाजा है वो इंतहाई खूबसूरत है, ये सारा लेदर की फिनिशिंग में है, ये भी लेदर में है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस गाड़ी की हीटेड सीट्स हैं, और यहाँ से हम गाड़ी के शीशे ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये दरवाजे आगे खोलते हैं, ये हम लोग की लॉक्स को इंडिकेट करते हैं। साथ में अगर हम गाड़ी के रूम स्पेस की तरफ आए तो ये सीट जो है ऑलमोस्ट फुल पीछे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी कितनी रूम स्पेस। गाड़ी की डिग्गी की तरफ आए तो अगर हम देख सकते हैं कि ये तो एक बंदा बैठे है। भाई आप कौन? भाई मैं सुनील मंच का दूसरा भाई हूँ। अच्छा, मैं देखो आराम से आ जाता हूँ इसके अंदर। अगर हम इसके इंजन की तरफ बात करें तो इसका इंजन है 2200 V4 है, और जो प्रोड्यूस करे 210 हॉर्स पावर और 360 टॉर्क। इसका इंजन जो है ये है टर्बो चार्ज, और जिसकी वजह से ये मतलब कि 0 to 100 जाती है 7 seconds के अंडर अंडर। जैसे आप देख सकते हैं इसकी ड्यूल हेडलाइट्स दिए हुए हैं प्रोजेक्टर लैंप्स में, और इनमें इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल्स दिए हुए हैं वो भी LEDs में। और आप इसकी ग्रिल देखें, बहुत एग्रेसिव लुक आती है और उस पर बेंस का साइन भी आता है। और हम देख सकते हैं कि हमारी पाकिस्तानी गाड़ी की तरह शापर नहीं है, और इसका प्रूफ है ये नॉट शापर ब्रो।
अच्छा तो हम अब इस गाड़ी की प्राइस के ऊपर आप बताएं हमें इस गाड़ी की क्या प्राइस है। हमने डिमांड रखी हुई है 1 करोड़ 30 लाख और ये फाइनल हम लोग ऑफर पे देंगे। इस गाड़ी जो है ये बहुत खूबसूरत है और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों को चैलेंज देता हूँ कि इससे ज़्यादा साफ गाड़ी मुझे ढूंढ के दिखा दे पाकिस्तान में। इसका आप देख सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर कोई टचिंग नहीं। आप आके अपना बेशक आप अपना मिस्त्री लें पर आप उसे चेक करेंगे वो बोले कोई टचिंग